हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके जीके का पार्ट 11, जिसमें हम देख रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो आपके अदर डिफरेंट टाइप के जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि बैंक, रेलवे, एसएससी या फिर जो भी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल जो भी एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट जीके होता है, जनरल नॉलेज, उसका हम ये पार्ट सीरीज जो है 11 करा रहे हैं। और इसके प्रीवियस में हमने 10 पार्ट तक किया हुआ है, जिसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है या फिर जो उस वीडियो का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके देख सकते हैं, जो कि पार्ट 10 तक अवेलेबल है। और इसमें हम यानी पार्ट 11 में टोटल आपका 30 क्वेश्चंस कराएंगे, और प्रीवियस में भी जितने भी हमारे सेट हैं उसमें से 30 30 क्वेश्चंस का ही सेट है। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें भी हम 30 क्वेश्चंस कराएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चंस में हम आपको 15 सेकेंड यानी 15 सेकेंड का टाइम हर एक क्वेश्चंस पे देंगे। वो टाइम आपका इसलिए होगा कि आप उस 15 सेकेंड के अंदर में, जो आपको 15 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, इस 15 सेकेंड के अंदर में आप क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा उसका करेक्ट आंसर होगा, आप उस आंसर को आप कॉपी किताब जो भी है आपके पास कॉपी और कलम लेके बैठेंगे, उस कॉपी पे आप नोट करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा, और हमारे दिए हुए आंसर से उसको मैच करेंगे। मैच करने के बाद जब आपका ये सेट खत्म होगा 11 नंबर, तो आपने 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, यानी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना जरूरी होगा। तो इसमें हम देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पार्ट 11 होगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। ये आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा अभिनेता का नाम है जिस पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है सलमान खान, बी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सी ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत और डी ऑप्शन है प्रेम चोपड़ा। अब इस क्वेश्चन का टाइम आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइमिंग चल रहा है। इस 15 सेकेंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और क्या सही आंसर होगा अपने ही कॉपी पे उसको नोट करना है, और हमारे दिए हुए आंसर से उसको मैच भी करना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, सुशांत सिंह राजपूत जो है ये इसका करेक्ट आंसर है सी। तो देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है, जो भी हमारा आंसर सही होगा वो ग्रीन हो जाएगा। बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय के किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए, उसमें जो भी हेल्प होगा उसके लिए, सहमति पत्र हस्ताक्षर किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है DRDO, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है नासा और डी ऑप्शन है NTPC। NTPC तो चार ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट होगा। अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है। आपके स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चंस भी है, चार ऑप्शन भी है। इस चारों ऑप्शन में से तीन तो होगा जो गलत होगा, एक ऑप्शन आपके लिए सही है, उस ऑप्शन को देखना कि कौन सा सही है और कॉपी पे नोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, DRDO जो है इसका करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं आप ग्रीन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जिसको मनरेगा भी बोलते हैं, के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की। यानी जो आपका मनरेगा है वो पहले 100 दिन के लिए फिक्स था कि 100 दिन आपको गारंटेड रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब उसको 150 दिन कर दिया गया है। और वो 150 दिन किस राज्य ने, किस राज्य सरकार ने किया है ये आपको बताना है। फर्स्ट है झारखंड, बी है उत्तराखंड, सी है दिल्ली और डी है पंजाब। तो चार ऑप्शन है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। यहाँ पे आपका देख सकते हैं आपका टाइमिंग धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है, यानी 15 सेकेंड का टाइम है। तो इस टाइम में आपको बताना है कि इसका करेक्ट बताना नहीं है, मतलब अपने ही कॉपी पे नोट करना है कि कौन सा इसका आपके अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, उत्तराखंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पे शो होने लगे हैं। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन, प्रतिबंधन के लिए भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AAI भी बोलते हैं, के साथ एक रियायत समझौता पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देते हैं। जो अडानी समूह है यानी जो अडानी का जो ग्रुप है, उन्होंने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास के लिए, संचालन के लिए और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, जिसको AAI के साथ रियायत समझौता पर हस्ताक्षर किया। ए ऑप्शन है 5, बी है 7, सी है 3 और डी है 4। तो अब इसका टाइमिंग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं 15 सेकेंड का। आपको इस 15 सेकेंड के अंदर हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको हमारे वीडियो लेक्चर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट जो वीडियो है यानी नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी का टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की। यानी निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने बागवानी विकास के लिए मिशन की घोषणा की। फर्स्ट है गुजरात, बी है बिहार, सी है तमिलनाडु, डी है झारखंड। अब इसका टाइम जो है आपका 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। और आप वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करने से प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हो सकता है किसी क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं पता चल पाए या जिस क्वेश्चन को हम समझाते हैं वो आप अच्छे से समझ नहीं पाए, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ही देखें। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, गुजरात जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। यानी कौन सा ऐसा ट्रेन है जिसका नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। फर्स्ट है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, बी है हावड़ा कालका मेल, सी है विक्रमशिला एक्सप्रेस और डी है मैसूर सोलापुर गोल गुंबज एक्सप्रेस। तो चार है, आपको बताना है कौन सा ऐसी ट्रेन है जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। तो अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं और ये जो होगा हमारा पार्ट 11 होगा। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। हाल ही में यानी ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, किस मंत्रालय ने कजाकिस्तान में IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। फर्स्ट ऑप्शन है शुभदर्शनी त्रिपाठी, बी ऑप्शन है अजीत विनायक, सी ऑप्शन है राहुल सचदेवा और डी ऑप्शन है अनिल गुप्ता।
अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें, आप हमें कमेंट जरूर करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम भी आती है वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, शुभ दर्शनी त्रिपाठी, इसका करेक्ट आंसर है ए, देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पे है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है? यानी अभी डीजल पेट्रोल का दाम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में डीजल और पेट्रोल पर 2% की जो वैट है वो कम कर दी गई है, कम कर दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, बी है तमिलनाडु, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है, ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, सी जो है राजस्थान, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, ये आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत के केंद्रीय मंत्री कौन है, ये भी आप याद रखेंगे। किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया था? यानी जो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें जो किरेन रिजिजू हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, उसमें किस राज्य की, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? ए ऑप्शन है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। अब इसका जो टाइम है वो आपका 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। तो आपको बताना है केंद्रीय मंत्री जो किरेन रिजिजू हैं, इन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो आपका होगा बी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पे है, इसमें पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे GI, याद रखेंगे GI, पहचान प्राप्त किया है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI पहचान प्राप्त किया है? फर्स्ट है नेपाल, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान, डी है पाकिस्तान। तो अब इसका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट करते हैं हम 15 सेकंड का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GI बोलते हैं, पहचान प्राप्त किया है? तो अब इसका देखेंगे जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, पाकिस्तान, जो डी है ये आपका पाकिस्तान, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? जो मिस्र में भारत का अगला राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है अजीत विनायक गुप्ते, बी ऑप्शन है मंजू सिंह पुरी, सी ऑप्शन है विनय मोहन कांत्रा और डी ऑप्शन है रीवा गांगुली दास। तो आपको बताना है कि मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है, और आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए एक गूगल होमवर्क भी है। आपको बताना है कि मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत, तो अभी हम बताएंगे भी और आपने उम्मीद है कि गेस भी किया होगा, बट आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि मिस्र के लिए भारत का अभी का जो प्रेजेंट का राजदूत है वो कौन है। तो ये आपका गूगल होमवर्क रहेगा, मिस्र के लिए अभी का राजदूत कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, अजीत विनायक गुप्ते जो है ये अगला राजदूत है। आपको कमेंट में बताना कि अभी का राजदूत कौन है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे है।
इसमें पूछा जा रहा है किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए 1.5 लाख डॉलर की मदद करने की घोषणा की है। किस राज्य ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए, याद रखेंगे, शांति मिशन के लिए 1.5 लाख डॉलर की मदद करने की घोषणा की है। फर्स्ट है नेपाल, बी है बांग्लादेश और सी है भारत, डी है पाकिस्तान। अब इसका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस सीरीज में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है हमने करंट अफेयर का क्वेश्चन लिया हुआ है और ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन इस सीरीज को कम से कम आप ध्यान से देखेंगे। वैसे तो सारे सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखेंगे जो 12 नंबर है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी जो है भारत, इंडिया, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका भी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए, अभी आप देख रहे थे कोरोना वायरस के कारण पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में था, तो आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। आपको बताना कौन सा कंट्री है। फर्स्ट है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है इटली और डी है रूस। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, इटली जो है सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता किया। क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करते हैं। किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता, ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता किया। फर्स्ट है नेपाल, बी है भारत, सी है भूटान और डी आपका है इनमें से कोई नहीं। अब इसका टाइमिंग जो है 15 सेकेंड का आपका स्टार्ट है। किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया। तो अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, भारत, बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन पे है। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी। यानी संसद में पेश जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसके अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 7.7%, बी ऑप्शन है 5.7%, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 5.7%, सी ऑप्शन है 4.7% और डी ऑप्शन है 3.7%। अब इस क्वेश्चंस का जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। तो 15 सेकेंड के अंदर आपको बताना है कि संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का वो आपका होगा ए, 7.7% जो है, 7.7%, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 2022 में किस देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने वाली है। यानी क्वेश्चंस पे फिर से रिपीट करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से जो 22 है इसमें देश की, हमारे इंडिया की जो आर्थिक तरक्की है उसकी रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है। फर्स्ट ऑप्शन है 14%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 11% और डी ऑप्शन है
13%। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए और इसका जो भी हम आंसर दे रहे हैं वो भी आपको अच्छे से दिखे और समझ में भी आए। तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, 11% जो है सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, इसमें पूछा जा रहा है नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है, यानी नृत्य और संगीत की जो प्रसिद्धि के लिए जो मुद्रा चलाई जाती है वो किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है। फर्स्ट है छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है गोवा और डी है महाराष्ट्र। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट है, आपको बताना है कि नृत्य और संगीत की प्रसिद्धि मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं और ये हमारा जीके का पार्ट 11 सीरीज है, 10 तक का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को वहां से जाके जरूर देख लें एक बार। तो अब 17 का देखेंगे हम जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, डी जो है महाराष्ट्र, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, पूछा जा रहा है सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो सैंडलवुड है इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसका यूजफुल है सैंडलवुड। फर्स्ट है तेलुगु सिनेमा के लिए, बी है कन्नम सिनेमा के लिए, सी है दक्षिण भारतीय सिनेमा के लिए और डी है तमिल सिनेमा के लिए। सैंडलवुड किसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसका टाइमिंग जो है 15 सेकेंड का आपका स्टार्ट है, तो आपको इस क्वेश्चन को देखना है, 15 सेकेंड इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझें और आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा अपने कॉपी पे नोट करें, और लास्ट के 30 क्वेश्चन के बाद हमें कमेंट जरूर करें कि आपने कितना क्वेश्चन को सही किया। तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, कन्नम सिनेमा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है पुतराज सम्मेलन किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुतराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। फर्स्ट है नृत्य, बी है संगीत, सी है साहित्य, डी है चित्रकला। तो आपको बताना है कि पुतराज जो सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसका जो टाइमिंग है 15 सेकेंड का वो आपका स्टार्ट है, बताना है आपको कि पुतराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, बी जो है संगीत, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है, यानी यहाँ पे चार मंदिर का नाम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा मंदिर है जिसमें शिव की जो आराधना जो की जाती है वो नटराज के रूप में की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है मदुरई, बी ऑप्शन है तंजौर, सी ऑप्शन है चिदम्बरम और डी है इनमें से कोई नहीं। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है, आपको बताना है कि जो चारों मंदिर दिए हुए ऑप्शन में उनमें से शिव की आराधना नटराज के रूप में किस मंदिर में की जाती है। तो क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप उम्मीद है कि अपने अकॉर्डिंग भी आंसर नोट कर रहे होंगे कि कौन सा आंसर सही है। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, चिदम्बरम जो है ये आपका चिदम्बरम सी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 यानी क्वेश्चन नंबर 21, संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन है संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी जो पुरस्कार है वो किस सरकार द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। तो अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का, संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार यानी कौन से स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जनरल लैंग्वेज में यही इसका क्वेश्चन है। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा
वो आपका होगा डी, गुजरात जो है इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बोहांग बीहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है। क्वेश्चन समझेंगे, बोहांग बीहू जो है मुख्य रूप से कौन से किस उत्तर पूर्व भारत, यहाँ पे आप ध्यान देंगे उत्तर पूर्व भारत की यहाँ पे बात की गई है, का प्रमुख जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है। फर्स्ट है असम, कौन सा फेस्टिवल है बोहांग बिहू, बी है मेघालय, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है मिजोरम। अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का। बोहांग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, ए जो है असम, ये आपका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, याद रखेंगे जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा फेस्टिवल इंजॉय किया जाता है। दीपावली, बी है होली, सी है बैसाखी और डी है मकर संक्रांति। तो चार ऑप्शन है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो आपका होगा डी, मकर संक्रांति। यानी जब मकर संक्रांति मनती है उस समय तमिलनाडु में पोंगल मनता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस राज्य में है। मुस्लिमों का जो तीर्थ स्थल है गलियाकोट, ये किस राज्य में है। फर्स्ट है राजस्थान में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है बिहार में और डी है जम्मू कश्मीर में। यानी आपको बताना है कि मुस्लिम लोगों का जो तीर्थ स्थल गलियाकोट है, आप नाम याद रखेंगे, किस राज्य में यानी किस प्रदेश में है। अब इसका जो टाइमिंग है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। और आपको हमारे वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, ए जो है राजस्थान, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है भाम कालपम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्री योगी द्वारा निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था। क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, भाम कालपम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्री योगी द्वारा निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में से कौन सा विकसित किया गया था। फर्स्ट है ओडिसी, बी है कुचिपुड़ी, सी है कथकली और डी है यक्षगान। तो अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है। और अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, कुंजी पूड़ी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन ए है ईटानगर में, बी है गुवाहाटी में, सी है बिंदीमापुर में और डी है आइजोल में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब इसका आपका टाइमिंग जो है 15 सेकंड का स्टार्ट है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, गुवाहाटी जो है ये आपका सही आंसर है गुवाहाटी। नेक्स्ट बढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी? यहाँ पे चार जो भी आपके पास संप्रदाय दिए हुए हैं, इनमें से किसकी स्थापना संत तुकाराम ने की थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है वारकरी संप्रदाय, बी ऑप्शन है परनामी संप्रदाय, सी ऑप्शन है श्री संप्रदाय और डी ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम, याद नाम याद रखेंगे संत तुकाराम ने की थी। अब जो है इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का, और ये आपको टाइम इसलिए दिया जाता है कि आप 30 क्वेश्चंस के बाद यानी 27 क्वेश्चंस कर रहे हैं, मात्र 3 क्वेश्चंस के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है वारकरी संप्रदाय, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है पहाड़ चित्रकला, बी ऑप्शन है किशनगढ़ चित्रकला, सी ऑप्शन है राजपूत चित्रकला और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। क्वेश्चंस को फिर से हम रिपीट कर देते हैं, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, किशनगढ़ चित्रकला, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29, पूछा जा रहा है सिंह खबाब्स किस प्रदेश का त्यौहार है? नाम याद रखेंगे, सिंह खबाब्स किस प्रदेश का त्यौहार है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है राजस्थान, डी है हरियाणा। तो अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है, सिंह खबाब्स किस प्रदेश का त्यौहार है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट 11 आप देख रहे हैं, पार्ट 10 तक का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। 30-30 क्वेश्चंस का हर एक वीडियो में हम सेट बनाए हुए हैं जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस बताए जाते हैं और उसका आंसर भी दिया जाता है। तो अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, जम्मू कश्मीर, ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यानी इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? यानी पंडित जसराज जो है वो किस घराने से संबंधित है? ई ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है किराना, सी ऑप्शन है मेवाती और डी ऑप्शन है बनारस। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंडित जसराज जो है वो किस घराने से संबंध रखते हैं। अब इसका टाइमिंग जो है 15 सेकेंड का आपको स्टार्ट है, और आपको याद ही होगा कि इस क्वेश्चंस बाद यानी 30 क्वेश्चंस के बाद आपको हमें कमेंट भी करना है कि आपने कितना नंबर दिया है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें और नेक्स्ट भी टॉपिक आप कमेंट में बता दें ताकि नेक्स्ट वीडियो को अपलोड किया जा सके। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, सी जो है मेवाती, ये आपका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी सीरीज समाप्त हुआ, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।